अब सोहेल खान से तलाक लेने के बाद सीमा सचदेवा ने खान को एक बड़ा झटका दे दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 24 सालों की शादी अब सोहेल खान और सीमा सचदेवा की टूटने के कगार पर पहुंच गई है और दोनों ने कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ तलाक की अर्जी भी दे डाली है। अब सीमा सचदेवा और सोहेल खान एक दूसरे से अलग होने जा रहे हैं और इस बात की खबर बीते कुछ हफ्ते पहले ही आई थी। तब से लेकर सुर्खियों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन तलाक लेने के बाद अब सीमा सचदेवा ने खान को एक बड़ा झटका दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीमा सचदेवा और सोहेल खान के बीच में निजी जिंदगी में करीब लंबे समय से कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था और इस वजह से इन दोनों ने अब अपनी राहें अलग करने का फैसला कर लिया है। बीते 13 मई को दोनों ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफी समय से अलग भी रह रहे हैं। वहीं अब शादी के करीब 24 साल बाद सीमा ने अपना सरनेम बदल कर खान को एक बड़ा झटका दे दिया है। अमरउजाला.com की एक खबर के मुताबिक बताना चाहेंगे कि तलाक की अर्जी के बीच सीमा ने अपना नाम से खान सरनेम हटा लिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना नाम सीमा किरण सचदेव कर लिया है। इससे पहले ये प्रोफाइल सीमा खान के नाम से दिखती थी। खान सरनेम हटाने के बाद ये साफ तौर पर साबित हो गया है कि अब दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं और इन दोनों के बीच में सुलह की कोई भी उम्मीद नहीं है। हालांकि सीमा सचदेवा ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि एक पोस्ट भी शेयर किया है और इस पोस्ट से कहीं ना कहीं उन्होंने खान पर शिकंजा कसा है। हालांकि इस पोस्ट में सीमा ने अपने दिल की बात कही है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि आखिर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इसके लिए आपको बस विश्वास करना पड़ेगा। इस पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि ये सोहेल खान से अलग होने को लेकर लिखा गया है। तो ऐसे में इस बात से आप भी वाकिफ हो सकते हैं कि सीमा खान अब तलाक लेने के बाद अब खान को एक बड़ा झटका दे चुकी हैं और इन दोनों के बीच में अब सुलह की कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि 2015 और 16 में भी एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने सभी को चौंका के रख दिया था। उस समय भी सोहेल और सीमा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था और उसी समय इन दोनों का तलाक हो जाता, लेकिन भाईजान सलमान खान ने अपने छोटे भाई का घर टूटने से बचा लिया था। लेकिन 2022 में अब काफी कुछ बदल गया और सीमा सचदेवा ने अब सोहेल खान से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा है और इसी कड़ी में उन्होंने अपना सरनेम बदल कर इस बात का पक्का सबूत दे दिया है कि अब इन दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग होने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर इनकी शादी की बात करें तो इन दोनों की शादी भी काफी सुर्खियों भरी रही है। दोनों की लव स्टोरी थी और इन दोनों की लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी रही है। सोहेल खान और सीमा सचदेवा की शादी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा मशहूर रह चुकी है। एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। दोनों के दो बेटे हैं। सोहेल खान अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर हैं। वह अब तक कई सारी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से उन्होंने बतौर डायरेक्शन अपना करियर शुरू किया था। वहीं दूसरी ओर अगर उनकी पूर्व पत्नी रह चुकी सीमा सचदेवा की बात करें तो वो फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं और वो बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता चंकी पांडे की भतीजी हैं।